नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ अ पेंडेमिक के बारे में। COVID-19 या कोरोना वायरस जिसको आप कह सकते हैं, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पेंडेमिक घोषित किया था, एक महामारी घोषित किया था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेंडेमिक क्या होता है और स्टेजेस ऑफ अ पेंडेमिक क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पेंडेमिक के बारे में। अब पेंडेमिक बेसिकली क्या होता है, वो ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में फैली हुई है और उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट किया है, ठीक है। और इस बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फैलती है ना। कोरोना वायरस एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है अभी एट प्रेजेंट अपने पास। और पेंडेमिक का जो क्राइटेरिया होता है वो ये नहीं होता है कि कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। वो होता है, बहुत सारी डेथ्स होती है उससे, लेकिन मेन जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि वो एक कंट्री से बाहर जा करके बहुत सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही है। तो ये बेसिकली पेंडेमिक को घोषित करने का एक क्राइटेरिया होता है। कोई बीमारी अगर किसी एक जगह लोकलाइज है तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक। फॉर एग्जाम्पल एबोला, एबोला जो है अफ्रीका के कुछ एरियाज में ही लोकलाइज था, इसलिए उसको बोला गया था एपिडेमिक, ठीक है। लास्ट जो पेंडेमिक हुआ था इस कोरोना वायरस से पहले वो था H1N1, यानी कि स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो ये हमने समझा कि पेंडेमिक क्या होता है। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ पेंडेमिक क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो चार स्टेजेस होती है। स्टेज वन होती है इम्पोर्ट, स्टेज टू लोकल ट्रांसमिशन, स्टेज थ्री कम्युनिटी ट्रांसमिशन, और स्टेज फोर होती है एपिडेमिक। अब इन सारी स्टेजेस को हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज वन यानी कि इम्पोर्ट की। तो यहाँ से मान लीजिए कुछ लोग बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और उन एरियाज में वायरस ट्रांसमिशन हो रहा है, तो बेसिकली हाई रिस्क है वहाँ पे वायरस ट्रांसमिशन का। तो यहाँ से कोई गया, वो वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड लोगों से मिला और उसने उसमें वायरस का ट्रांसमिशन हो गया, अब वो जो है संक्रमित हो गया, ठीक है। और वो फिर से यहाँ पे आता है और पाया जाता है कि जब उसका टेस्ट किया जा रहा है उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं और वो टेस्ट होता है पॉजिटिव। तो ये जो स्टेज है कि यहाँ से कोई गया विदेश ऐसे एरिया में जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा है और वो फिर से आता है, तो बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ वायरस हो चुका है ना, अपनी कंट्री में वायरस आ चुका है। फिर उसके बाद आती है स्टेज टू यानी कि लोकल ट्रांसमिशन। तो स्टेज वन में तो आप वायरस तो आ गया अपने आपस, अब वो जो भी इंसान जो बाहर ट्रेवल किया है, अब जो कि टेस्ट हो चुका है पॉजिटिव, अब वो लोकल्स के कॉन्टैक्ट में आता है। अब लोकल्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो लोकल्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं, वो संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इटालियंस जैसे यहाँ पे आए थे, इटालियन टूरिस्ट आए थे इंडिया में, और वो ऐसे एरिया से आए थे जहाँ पे वायरस का ट्रांसमिशन काफ़ी हाई था, हाई रिस्क एरिया से आए थे। तो अब वो इटालियंस जब होटल स्टाफ से मिलेंगे, गाइड से मिलेंगे, तो ये संक्रमण बढ़ेगा, तो लोकल्स ने बेसिकली वो वायरस जो है वो कैच कर लिया। सिमिलरली अगर आप भिलवाड़ा का केस देखो तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया से कुछ गेस्ट आए थे किसी डॉक्टर के यहाँ पे, तो डॉक्टर इन्फेक्ट हो गया क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो गेस्ट थे उनको जो है ये वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो बाहर से लोग आए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो बाहर से उस एरिया से लोग आए जहाँ पे वायरस था, और फिर उसके बाद उन्होंने लोकल्स में उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ये सेकेंड स्टेज हुआ लोकल ट्रांसमिशन का। अब यहाँ पे आपको ऐसा है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन पता होता है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन का क्या मतलब, अब आपको पता है कि किसी फॉरेनर से आपके पास वायरस आया है और फिर उसके बाद किसी एक लोकल से दूसरे लोकल में फैलेगा, फिर तीसरे लोकल में फैलेगा, तो आपको वो सारे पॉइंट्स पता है कि वायरस किस किस के थ्रू जा रहा है। तो आप अब उन सभी को एक बार क्वारंटीन करके यानी कि आइसोलेट करके और उनकी टेस्टिंग शुरू कर सकते हो ताकि वायरस आगे ना फैले। तो स्टेज टू तक भी जो वायरस है वो कंट्रोलेबल होता है ना। इंडिया फिलहाल है स्टेज टू पे, ठीक है। अभी ऑफिशियली स्टेज थ्री घोषित नहीं हुआ है, स्टेज थ्री हम देखते हैं अभी आगे। अभी इंडिया ऑफिशियली है स्टेज टू पे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेज थ्री आखिर होता क्या है। स्टेज थ्री होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब इसमें ऐसा होता है कि वायरस अब कम्युनिटी में सर्कुलेट होने लग जाता है। अब इसके फैलने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ये जरूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए जो पॉजिटिव टेस्ट हो चुका है, समझ रहे हैं आप। अगर आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में भी, अगर आप नॉर्मली आप बस ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या फिर आप शॉप्स पे जा रहे हैं, वहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, वो अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुए लेकिन वो इन्फेक्टेड है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 14 दिन का है,
तो हो सकता है उसके अंदर वायरस हो, लेकिन सिम्टम्स अभी दिख नहीं रहे हो। आप उसके कांटेक्ट में आते हो और वो जो वायरस है वो आपको संक्रमित कर देता है, वो आप में ट्रांसमिट हो जाता है। तो आपको नहीं पता है कि आप संक्रमित हो गए हो, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि सामने वाला संक्रमित है। आप उससे बात करते हो और आप भी संक्रमित हो जाते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है, क्योंकि इसमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और एकदम से जो इसके केसेस हैं, एकदम एक्सपोनेंशियली, एकदम फटाफट इसके केस ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि सब सब अननोन है, और हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कहाँ से आया है वायरस। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन हमें नहीं पता है इसमें, तो यहाँ पे कंटेनमेंट जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी जो 21 दिन का लॉकडाउन लॉकडाउन किया है कंट्री में, मोदी जी ने अनाउंस करके लॉकडाउन करवाया 21 दिन का, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप अंदर रहेंगे तो आप लोगों के कांटेक्ट में आना ही बंद हो जाएंगे, तो ये अननोन जो ट्रांसमिशन है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी इंडिया स्टेज 3 पे आया नहीं है, और आई होप कि नहीं आए, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम स्टेज 4 पे ना आ जाए। स्टेज 4 होता है एपिडेमिक। चाइना और इटली में एपिडेमिक हो गया है। एक जो मैंने आपको समझाया है, एपिडेमिक मतलब जो लोकल लेवल पे पूरी महामारी हो जाती है, और ये इतना खतरनाक है कि इसका कोई विजिबल एंड पॉइंट होता ही नहीं है। वो फैलता चला जाएगा और अपन उसको रोक नहीं सकते। अब वो पूरी कंट्री की एक महामारी बन जाती है। तो ये होता है स्टेज 4। तो स्टेज 2 पे ही अगर हम ध्यान रख लें तो हम स्टेज 3 पे नहीं जाएंगे और स्टेज 4 की नौबत नहीं आएगी। एक बार हम सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा पेंडेमिक के बारे में। पेंडेमिक क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब कई लोगों को अफेक्ट करती है। स्टेज 1 हमने देखा इम्पोर्ट, कोई फॉरेन ट्रैवलर जाएगा, वो वहां से वायरस लाएगा, है ना, या फिर यहाँ के लोग जाएंगे और ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे वायरस होगा और फिर वो वायरस यहाँ पे लाएंगे। दूसरा होता है कि वो लोग फिर लोकल्स में उसको ट्रांसमिट करेंगे उनके टच में आके। तीसरा होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि कोई संक्रमित है, हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं और हम भी संक्रमित हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से वायरस फैल जाता है। और फिर आ जाता है स्टेज 4, यानी कि महामारी। लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पूरी महामारी हो जाती है और ये एंडलेसली बढ़ती जाती है, ठीक है। और स्टेजेस का इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है स्टेजेस इस तरीके से डिवाइड करना, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस स्टेज पे क्या एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने अभी लॉकडाउन किया जो 21 दिन का, वो स्टेज 2 आते ही हमने लॉकडाउन कर दिया, ताकि हम स्टेज 3 पे ना जाएं, क्योंकि उसके बाद रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आपसे एक तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, जो इंस्ट्रक्शन बोला है, 21 दिन का लॉकडाउन है, प्लीज़ आप अंदर रहिए। बाहर निकलना क्या होता है वो आप भूल जाइए। बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, वरना मत निकलिए, क्योंकि अगर हमें इसको रोकना है तो ये ही एक इसका तरीका है, हम यही कर सकते हैं। कोई इलाज नहीं है उसके बाद, बाद में पछताने के अलावा कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि स्टेजेस क्या होती है। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, ताकि हम सतर्क रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में जानेंगे तो आप सतर्क रहेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है। मैं और वीडियो लेके आऊँगा इसी पे, इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें उसके लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।